बच्चों, आज की क्लास में हम डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन इसकी समरी बनाएंगे। तो डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी होगी, यानी उसको कुछ भी कर लो मेमोराइज करना ही पड़ेगा। तो जैसे दो चीज़ें खास हैं डिफ्रेक्शन की, बात मैं सबसे पहले करता हूँ। तो देखिए, डिफ्रेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ है डिफ्रेक्शन का जो है ना, टाइप्स, फ्रेनल डिफ्रेक्शन एंड फ्रंट ओवर डिफ्रेक्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो डिफ्रेक्शन के बारे में सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन। देखिए, डिफ्रेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब आपको हम बता चुके हैं पहले। डिफ्रेक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ द वेव्स, अपनी जगह से वेव्स की बेंडिंग होती है कॉर्नर्स से। जैसे अगर मान लो कोई ऑब्स्टेकल है या अपर्चर है और कोई वेव आ रही है, तो जो ऑब्स्टेकल और अपर्चर के जो शार्प कॉर्नर्स हैं उनसे उनकी बेंडिंग होती है, है ना। एक आपने बहुत ही सिंपल सी चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आप जब अपने कमरे की लाइट जलाते हैं तो थोड़ी सी लाइट बाहर गेट पर जो है दिखाई देती है। इसी तरीके से आपके बाहर अगर कोई आवाज़ आ रही है, कोई म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, तो आपको दिखाई देता है। तो ये डिफ्रेक्शन होता है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि डिफ्रेक्शन के लिए जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा, लैम्डा की ऑर्डर का होना चाहिए। 50 गुना तक होता है तो चलता है, उससे ज़्यादा होता है तो फिर डिफ्रेक्शन उतना प्रॉपर नहीं होता है, राइट। तो आपका ये होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन में दो तरह के डिफ्रेक्शन है, एक है फ्रेनल डिफ्रेक्शन और एक है क्या, हाँ, तो देखिए, एक है फ्रेजनेस डिफ्रेक्शन। इनके डिफरेंस जो है ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, हाँ, एग्जाम में वो लोग स्टेटमेंट टाइप सवाल बनाते हैं और उसमें ये डिफ्रेक्शन पूछते हैं, फ्रेजनल डिफ्रेक्शन, फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन। तो आप देखिए इधर, फ्रेजनेस डिफ्रेक्शन एंड फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन, तो मैं इस बारे में बात करूंगा आपसे। फ्रेजनेस डिफ्रेक्शन और फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन क्या है, सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। सबसे पहली बात, जैसे जो सोर्स है एंड स्क्रीन है आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि जैसे लाइट सोर्स है या वेव सोर्स है, वहां से जो ऑब्स्टेकल की जो डिस्टेंस है वो फ्यू मीटर्स होती है, यानी कि इनफाइनाइट नहीं होती। जबकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है फ्रेजनेल वाले में, है ना। इसमें दूसरा डिफरेंस है फ्रेजनेल वाले में कि डिफ्रेक्टेड जो वेव फ्रंट होता है ना, तो इसमें जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट ये स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल होता है। वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। जबकि इसमें वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाला वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तीसरा, इस वाले में जो फ्रेनल डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है, इसमें हम कोई अरेंजमेंट नहीं करते, नो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, यानी नो लेंसेज और मिरर, कोई लेंस और मिरर का यूज नहीं करते। इसमें क्या होता है, हम लोग फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन जो होता है उसको प्रैक्टिकली अरेंज करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में अरेंज करना पड़ता है। फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन हमेशा नहीं होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, लेंस लेना पड़ता है, लेंस और मिरर इज यूज्ड। उसमें लेंस और मिरर यूज में नहीं होते। इसमें देखिए चौथा, जो ये एक्चुअल में सभी किताबों में मिल जाएंगे डिफरेंस, फ्रेनल डिफ्रेक्शन और फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन, इसके डिफरेंस सभी किताबों में मिल जाएंगे, है ना। अब इसमें देखिए क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट जो होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न, सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न
सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न मे बी ब्राइट और डार्क, मे बी ब्राइट और डार्क। तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न मे बी ब्राइट और डार्क, यहां पर जो है ना सेंट्रल पैटर्न, सेंट्रल पॉइंट इज ऑलवेज ब्राइट, कभी डार्क नहीं होगा, ऑलवेज ब्राइट होगा सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट इज ऑलवेज ब्राइट, हमेशा ब्राइट होगा सेंट्रल पॉइंट, राइट। ठीक है जी, यहां पर जो है वो क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आएंगे ना उनका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी अलग अलग होगा, जबकि इसमें सभी पार्ट्स जो होंगे वेव फ्रंट के उनका जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है इसके अंदर फ्रंट ऑफर में, क्योंकि फ्रंट ऑफर में कोई ऑब्लिकिटी नहीं होती, फ्रंट ऑफर में कोई ऑब्लिकिटी नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, देखिए सॉरी, इसमें क्या होता है ऑब्लिकिटी होती है इसके अंदर, ऑब्लिकिटी, ऑब्लिकिटी माने लाइट रेज जो होती है ना वो कुछ एंगल के साथ आती है, लाइट रेज कुछ एंगल के साथ आती है, जबकि इसके अंदर नो ऑब्लिकिटी, प्लेन रेज होती है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अंदर ऑब्लिकिटी का, है ना। और ऑब्लिकिटी के कारण जो होता है वो एम्पलीट्यूड और उसमें डिफरेंस आता है, किसमें, ऑब्लिकिटी के कारण एम्पलीट्यूड और जो इंटेंसिटी होती है उसमें डिफरेंस आता है। ये आपके फ्रंट ऑफर की बात हो गई। अब एक डिफरेंस और पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस इन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रेक्शन, इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें जो है ना वो पूछ लेते हैं, इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रेक्शन, है ना। तो इस इंटरफ्रेंस में क्या होता है, टू सोर्सेज, टू वेव्स, इसमें क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल वेव्स होती हैं, मल्टीपल वेव्स मतलब मोर देन टू, बहुत सारी वेव्स होती हैं। कैसे, जैसे इंटरफ्रेंस जो था हमारा उसके अंदर हम एक फंडामेंटल सोर्स से बहुत सारे, सॉरी दो सब सोर्सेज बनाते थे कोहेरेंट सोर्स, जबकि यहाँ क्या होता है एक वेव फ्रंट के सभी पॉइंट जो है सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं और वो उनमें डिफ्रेक्शन होता है। ध्यान दीजिए, इंटरफ्रेंस जो होता है वो किसी एक सोर्स से दो कोहरेंट सोर्स बनाते हैं, उन कोहरेंट सोर्स से जो वेव जाती हैं उनके बीच इंटरफ्रेंस होता है, जबकि डिफ्रेक्शन में एक ही वेव फ्रंट के बहुत सारे पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट पैदा करते हैं और वो जो सारे पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट पैदा करते हैं, है ना, इंटरफ्रेंस उनके बीच होता है। तो ये इंटरफ्रेंस और उसमें डिफ्रेक्शन में खास अंतर है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अंतर तो ये हो गया, दूसरा अंतर इसके अंदर, राइट, इसमें क्या है आपके जो ब्राइट और डार्क जो बनते हैं वो सेम साइज के होते हैं, ब्राइट, ऑल फ्रिंजेज आर ऑफ सेम साइज, इंटरफ्रेंस में ऑल फ्रिंजेज आर ऑफ सेम साइज, ऑल फ्रिंजेज आर ऑफ सेम साइज। इसमें क्या होता है, नॉट सेम साइज नहीं होती सभी की साइज नॉट सेम साइज। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो सबसे ज्यादा चौड़ी होती है, उसकी साइज सबसे ज्यादा मतलब बड़ी होती है, और जो अदर फ्रिंज होती है वो मतलब अलग अलग साइज की होती है। तो देखिए आप यहां पर जो होता है इसमें और इसमें क्या होता है कि एक सबसे खास बात होती है कि इसके अंदर जो होता है विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी होने का मतलब क्या है कि जो ब्राइट होती है वो बहुत अच्छी ब्राइट होती है और डार्क बहुत जोरदार डार्क होती है, तो विजिबिलिटी वेरी गुड। यहाँ पर जो विजिबिलिटी आती है वो इसलिए कि सारी जो डार्क होती है दैट इज नॉट कम्प्लीटली डार्क, है ना, तो विजिबिलिटी पुअर होती है इसके अंदर, है ना। इसमें जो डार्क फ्रिंज होती है वो कम्प्लीटली डार्क होती है, तो डार्क फ्रिंज जो होती है उसकी इंटेंसिटी एकदम जीरो होती है, जबकि इसमें डार्क की इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है, इसलिए आपका जो इसका जो विजिबिलिटी होती है कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो इधर कम होता है इधर कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब देखो, आप अगर मान लीजिए आपके पास में कोई पैटर्न बना हुआ है और पैटर्न में एकदम डार्क और एकदम ब्राइट दो लाइन बराबर बराबर में चल रही है और डार्क पूरी तरह डार्क है और ब्राइट जोरदार ब्राइट है, तो क्या होगा,
कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा बनेगा और विजिबिलिटी बहुत अच्छी। लेकिन अगर मान लो जो डार्क है वो थोड़ा सा पूरा डार्क ना हो, थोड़ा सा उसके अंदर लाइट हो, और जो ब्राइट है वो ज़ोरदार ब्राइट ना हो, तो क्या होगा, डल लग जाएगा वो कलर, थोड़ा डल कलर होगा, राइट, कॉन्ट्रास्ट डल होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। इसमें क्या होता है, फोर्थ में जो फ्रिंजेज के नंबर ऑफ फ्रिंजेज जो होती हैं वो लार्ज होती है, नंबर ऑफ फ्रिंजेज इन जनरल लार्ज होते हैं, जबकि इसके अंदर ओनली फ्यू फ्रिंजेज आर फॉर्म्ड। अब देखिए, हम लोग जो है ना, इस डिफ्रेक्शन का जो टॉपिक है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, उसे हम कहते हैं सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। यानी एक सिंगल स्लिट होगी और उस सिंगल स्लिट से हम लाइट निकालेंगे और उसका डिफ्रेक्शन करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। तो टॉपिक डालिए, नेक्स्ट टॉपिक सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। आप लोग जो है नोट्स पूरे उतारते रहिएगा, क्योंकि ये नोट्स सारे काम के हैं और आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगे, राइट। चलिए, सो लुक हियर, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब एक्चुअल में इसमें क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लें। सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, और जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसको हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, और यहां से लाइट आती है, चारों तरफ लाइट आती है, सोर्स से सब तरफ लाइट आती है। हम यहां पर एक लेंस लगा देते हैं, और एक लेंस इस तरह से रखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लेंस इज टेकन टू बी एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि जो हम लेंस लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं कि लेंस से सोर्स जो है उसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो। अब आप बताओ, अगर लेंथ फोकल लेंथ के बराबर है तो नेचुरल है कि इस लेंस से जो रेज निकलेंगी वो फाइनली क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इट मीन्स द लेंस कमिंग आउट फ्रॉम द लेंस विल बी पैरेलल, रेज कमिंग आउट फ्रॉम द लेंस विल बी पैरेलल। तो अगर रेज जो है पैरेलल आ रही है तो इसका मीनिंग ये निकल जाता है, कि ये प्लेन वेव फ्रंट है, एंड दिस प्लेन वेव फ्रंट हैविंग पैरेलल रेज सीम्स टू बी एज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। आ इन्फिनिटी से नहीं रहा है, आ तो हमारे कमरे में ही रहा, लेबोरेटरी में ही है, लेकिन हमने कमाल क्या किया कि जो सोर्स था उसके सामने एक लेंस रख दिया, और लेंस फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर रख दिया, तो परिणाम ये निकला कि जो है वहाँ पर ये रेज जो है पैरेलल हो गई। इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये रेज आ रही हैं। अब हम यहाँ पर एक सिंगल स्लिट बनाएंगे। इस स्लिट की जो ब्रेड्थ है वो कुछ भी आप मान लीजिए सिंगल स्लिट बनाई है। मैं इसको स्लिट को ऐसे बना दे रहा हूँ थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करने के लिए। अब ये जो सिंगल स्लिट बनाई है इसका जो डायमीटर है और इसका जो एपर्चर है उसे एपर्चर कहते हैं, तो इस एपर्चर को हम कह देते हैं ए। तो ए इज व्हाट, ब्रेड्थ ऑफ द एपर्चर और ब्रेड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट और ब्रेड्थ ऑफ द डायमीटर और डायमीटर ऑफ द सिंगल स्लिट, राइट। तो अब सुनिए, डायमीटर ऑफ द सिंगल स्लिट, यहां से रेज कितनी सारी आती है बताओ कितनी रेज आती है, इनफाइनाइट रेज। ये सारी रेज यहां पर आती हैं, जब आती हैं तो इस होल के अंदर रेज जाएंगी, तो रेज आर पासिंग थ्रू द होल,
जब होल से रेज जाती हैं तो कुछ रेज सीधी निकल जाती हैं, कुछ रेज थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाती हैं, कुछ रेज नीचे की तरफ टिल्ट हो जाती हैं। तो देखिए क्या क्या होता है। कुछ रेज एकदम सीधी निकल जाती हैं, यहाँ से सीधी निकल जाती हैं, कुछ रेज सीधी निकल जाती हैं, कुछ रेज ऊपर घूम जाती हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली जाती हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ध्यान दीजिए, जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो सारा का सारा वेव फ्रंट उधर जाता है। जब रेज ऊपर की तरफ टिल्ट हो रही होती है तो एंटायर वेव फ्रंट ऊपर की तरफ टिल्ट होता है, अकेली एक रेज टिल्ट नहीं होती। और जिस समय रे नीचे टिल्ट हो रही होती है, एंटायर वेव फ्रंट नीचे टिल्ट होता है, एंटायर वेव फ्रंट नीचे टिल्ट होता है। इस तरह से ये रेज बट जाती है। यहाँ पर फिर हम एक लेंस लगाते हैं, एक लेंस फिर से लगा देते हैं, और इस लेंस से फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रख देते हैं। फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर क्या रख देते हैं, एक स्क्रीन रख देते हैं। अब देखिए क्या हालात होंगे, क्योंकि जब ये रेज आ रही हैं, ये सब पैरेलल रेज है, ये सब पैरेलल रेज है, जो ऊपर जा रही हैं वो भी पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज आ रही हैं लेंस पर। आप समझिए, अगर ये रेज पैरेलल रेज आ रही हैं लेंस पर, तो फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पर स्क्रीन रखने का क्या परिणाम होगा। फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पर स्क्रीन रखने का परिणाम ये होगा कि ये रेज उस स्क्रीन पर फोकस्ड होंगी। तो देखिए, जो पैरेलल रेज आ रही हैं सीधे, वो सेंट्रल पॉइंट पर क्या होंगी, कलेक्ट होंगी। सो ऑल पैरेलल रेज आर कलेक्टिंग एट द सेंट्रल पॉइंट, दिस सेंट्रल पॉइंट विल ऑलवेज बी ब्राइट पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट विल ऑलवेज बी ब्राइट पॉइंट, करेक्ट। अब देखिए आप, जो रेज ऊपर शिफ्ट हो गई है थोड़ी सी, सपोज एंगल थीटा पर शिफ्ट हो गई है, एंगल थीटा पर टिल्ट हो गई है, सपोज है ना, वो जा करके कहीं और कलेक्ट होंगी, किसी और डिफरेंट पॉइंट पर कलेक्ट होंगी। दैट पॉइंट मे बी अनादर पॉइंट कॉल्ड पी पॉइंट, दैट पॉइंट मे बी अनादर पॉइंट कॉल्ड पी पॉइंट, राइट। इस पी पॉइंट पर ये रेज कलेक्ट हो रही है, कलेक्ट हो रही है। सवाल ये उठता है कि ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, अपर मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली वही आएगा जो इंटरफेरेंस में आया था। इंटरफेरेंस में क्या पाथ डिफरेंस आया था, देखो इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस डी थी, तो आपका जो पाथ डिफरेंस आया था ना, वो डी साइन थीटा था, डी साइन थीटा था, है ना। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया था डी साइन थीटा, वही यहाँ आएगा डेल्टा बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर पेन ये शो करने के लिए कि यहाँ से जो रे गई है, यहाँ से जो रे गई है, इन दोनों रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस होगा, करेक्ट। अब यहां पर सुनिए, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट की दो रेज हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर इफ लैम्डा हो जाए, अगर इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए, मान लो हो जाए, तो क्या क्या हो जाएगा, सुनिए। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए, तो बेटा इस पॉइंट और ये मिडिल वाला पॉइंट है ना, इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई टू होगा। इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई टू होगा। इसका मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज हैविंग पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू, क्रिएटिंग डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो एक पॉइंट यहाँ होगा, तो उधर भी एक पॉइंट यहाँ होगा, तो इसके बीच में भी लैम्डा बाई टू डिस्टेंस होगी, फिर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरीके से देयर में भी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो बेटा ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबके करस्पोंडिंग इधर भी पॉइंट्स होंगे, और जो करस्पोंडिंग पॉइंट्स इधर भी होंगे, उन सब के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू आएगा। और आप सोचिए, अगर लैम्डा बाई टू पाथ डिफरेंस आता रहा, तो रिजल्टेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा,
यानी कि ये सब कुछ कैंसिल होकर के डार्क फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी? डार्क फ्रिंज, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमा। मिनिमम ये तो लैम्डा होने पर हुआ कि भैया इन दोनों पॉइंट्स के बीच लैम्डा था। अब देखो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3λ/2 हो जाए तो, अगर इफ 3λ/2 हो जाए तो क्या घटना घटित होगी? फिर पता है क्या होगा? इसको हम जो है ना तीन हिस्सों में बांटेंगे, ये क्योंकि ऊपर और सबसे नीचे वाले के बीच में 3λ/2 का पाथ डिफरेंस है, और जब 3λ/2 का पाथ डिफरेंस है तो इसको λ/2 बोलेंगे, इसको λ/2 बोलेंगे, राइट? ये λ/2, ये λ/2, तो अब λ/2 में क्या होगा? देखिए यहां से लेकर यहां तक जितने पॉइंट होंगे, यहां से लेके यहां तक जितने पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे? यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स। हर पॉइंट के करस्पोंडिंग पॉइंट यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे, हर पॉइंट के करस्पोंडिंग पॉइंट है ना, यहां भी आएंगे, और उनके लिए λ/2 का पार्ट डिफरेंस होगा, यानी कि ये वाला पीस और ये वाला पीस एक दूसरे को क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे, बचेगा ही नहीं कुछ, एक टुकड़ा बचेगा छोटा वाला, इसे कहेंगे हम क्या बचा? ये बचा, उसकी यहां पे वो आएगी, क्या बोलते हैं ना, ब्राइटनेस आएगी, तो ये विल बी ब्राइट, ये ब्राइट पॉइंट बनेगा। तो अब देखो कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, मिनिमा की कंडीशन लिख रहा हूं। मिनिमा कंडीशन है ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, इट इज कंडीशन फॉर मिनिमा, राइट? और अब हम आगे बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होगी? ए साइन थीटा बराबर 2n+1λ/2। ये यहां पर डिफरेंस आ गया है, ध्यान दीजिए, इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस में हमारी जो मिनिमा की कंडीशन आई थी वो 2n+1λ/2 किया था, और जो मैक्सिमा की कंडीशन थी वो एन लैम्डा थी। यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन बदल गई है, क्योंकि जो एक वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट के टुकड़े होकर के, टुकड़े होकर उन टुकड़ों के बीच इंटरफ्रेंस होता है, हाँ, डायरेक्ट सोर्सेज नहीं है, वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स मिल करके सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं, और उनके बीच जब पाथ डिफरेंस का डिवीजन होता है तो वो डिवीजन इस तरह का होता है, ये लैम्डा होता है, ये लैम्डा 2n+1λ/2 होता है, और इस तरह से क्या निकल जाता है, ये जो है यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर ये बच जाता है, एक टुकड़ा बच जाता है। जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट, एक मिनट प्लीज। चलिए अब देखिए, तो ये जो है ना, ये आपकी कंडीशन फॉर मैक्सिमा हो गई, कंडीशन फॉर मिनिमा हो गई। मैं इस डायग्राम को अब मिटा देता हूँ, अब इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए हम जो है एक वो करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशंस को एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ कहाँ पे पोजीशन आ रही है। तो देखिए मैं बताता हूँ, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा ध्यान दीजिए, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा साइन थीटा बराबर λ/a, साइन थीटा बराबर, सॉरी n λ/a, n λ/a। अब देखिए साइन थीटा वन बराबर क्या आएगा? साइन थीटा वन बराबर आएगा λ/a, टू बराबर क्या आएगा? 2λ/a। इसी तरीके से इस तरह से ये आते रहेंगे, राइट? अब आप देखो इसको, ये तो फॉर मिनिमा की बात हो गई, व्हाट विल बी फॉर मैक्सिमा? फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा के लिए साइन थीटा जो है वो है 2n+1λ/2। अब देखिए साइन थीटा वन डैश बोलेंगे इसको, डैश, यहां भी डैश बोल दीजिए आप, जैसे थोड़ा डिफरेंशिएशन लगे कि भाई ये किसकी बात हो रही है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए साइन थीटा वन डैश, साइन थीटा वन डैश आएगा, एन आप जीरो रखिए, एन इक्वल टू पहला रखिए, मतलब वन लिखिए,
तो 3λ/2 आएगा, और साइन थीटा 2' यह आएगा 5λ/2a। करेक्ट, इस तरह से। अब आप देखो, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ का क्या हाल आता है मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या सीन बनेगा इसमें, बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं इंटेंसिटी में और साइन थीटा में, इंटेंसिटी आई और साइन थीटा में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा ले लेता हूं, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे साइन थीटा 0, और यहां लिखता हूं λ/a, फिर यहां लिखता हूं 2λ/a, फिर यहां लिखता हूं 3λ/a, ऐसा ही इधर की तरफ लो λ/a और 2λ/a और 3λ/a। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 तो यहां पे क्या आएगा, आपको मैंने बता दिया पहले ही कि ये एकदम मैक्सिम आता है, सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी आती है और बहुत ही ब्राइट स्पॉट बनता है, लेकिन λ/a पर 0 हो जाती है इंटेंसिटी, λ/a पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है, करेक्ट। फिर इसके बाद में λ/a से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन 2λ/a पर वापस 0 हो जाती है, तो इंटेंसिटी बढ़ गई और 2λ/a पर वापस 0 हो गई, इंटेंसिटी बढ़ गई है और 2λ/a पर वापस 0 हो गई है। फिर आगे फिर ऐसा ही होता है, इंटेंसिटी ऐसे हो जाती है, आगे फिर ऐसा ही होता है, इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ती चली जाती है, वो एक बार बढ़ती है एक बार घटती है, फिर ये इस तरह से हो जाता है ना। तो ये सीन बनता है, ये क्या बनता है, पूरा का पूरा कंप्लीट सीन बनता है ये, है ना। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो इंटेंसिटी वैल्यूज हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं, वो मैं बता दूँ। जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसको आई नॉट कहते हैं, राइट, इसको आई नॉट कहते हैं। और बाकी जो फिर मैक्सिमाज होती है, मिनिमाज तो सारे जीरो ही होते हैं, मिनिमाज तो सारे जीरो ही होते हैं, तो ध्यान दो मैक्सिमाज जो है उनकी इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है, एनथ मैक्सिमा, आई नॉट इज व्हाट, आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आपको यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि अगर मान लो आई एन इज इंटेंसिटी ऑफ एनथ मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ एनथ मैक्सिमा, तो आप देखिए एनथ मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी आएगी, अगर आई नोट जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना चाहिए 2/2n+1 × π होल स्क्वायर आई नॉट, ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए मैं I1 को लिख रहा हूँ, I1 सबसे पहला वाला, फिर मैं I2 को लिख रहा हूँ, है ना, इस तरह से, फिर मैं I3 को लिखूंगा। आप यहाँ पर n = जो है वैल्यू रखिए, जब आपने n = 1 रखा तो n = 1 रखा तो ये 3 हो गया, ये हो गया ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4/9π² I0 इतना आ जाएगा। ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली I0/22। फिर आप यहाँ पे रखेंगे n = 2 तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 4/25π² I0 जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली I0/61। नाउ इफ यू आर पुटिंग इट 3 देन इट विल बी 7, तो कितना आएगा ये 49π² I0। व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन इट कम्स टू बी अराउंड I0/121। इस तरह से ये चेंज होता रहता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो इसकी इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली I0/22 होगी, इसकी I0/61 होगी, इसकी I0/121 होगी। इसका मतलब इंटेंसिटी धीरे धीरे करके बहुत तेजी से खत्म, और बाद में ये ग्राफ जो है ना ज्यादा दूर जाकर के सीधा हो जाता है, कुछ बच ही नहीं रह जाता, कुछ बचा ही नहीं रह जाता,
ये है समस्या। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ये वाली जो चीज है ना सेंट्रल मैक्सिमा, अगर मैं इस सेंट्रल मैक्सिमा का यहां पे साइन थीटा देखूं और फिर मैं एक छोटा सा काम करूं, साइन थीटा को अगर मैं नियरली इक्वल टू थीटा लिख दूं, साइन थीटा को मैं नियरली इक्वल टू थीटा लिख दूं, तो देखिए मैं इसको कहूंगा कि दिस लैम्डा बाई ए, दिस लैम्डा बाई ए इट इज पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, दिस लैम्डा बाई ए इज पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इस लैम्डा बाई ए पर फर्स्ट मिनिमा है, लैम्डा बाई ए पर फर्स्ट मिनिमा है, तो ये है ना इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, दिस इज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, यानी कि सेंट्रल ब्राइट की साइज है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिखूंगा, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा मान लूँ, तो आप लोग चेक करेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान दो, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलेंगे W थीटा, थीटा माने एंगुलर विड्थ, थीटा माने एंगुलर विड्थ। तो आप ध्यान दो, एंगुलर विड्थ ऑफ वो आएगा 2 थीटा 1, तो ये आएगा 2 लैम्डा बाई ए, ये एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो गया है ना। अब देखिए एंगुलर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटे, ये सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो यहां से लेके यहां तक है, तो ये लैम्डा बाई ये माइनस लैम्डा बाई ए, तो विड्थ कितनी होगी 2 लैम्डा बाई ए होगी, यहां पर कितना हो रहा है ये 1 2 लैम्डा बाई ए हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 2 लैम्डा बाई ए हो रहा है, इसका मतलब जो विड्थ एंगुलर विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा है इट विल बी लैम्डा बाई ए, दैट इज डब्ल्यू थीटा, इसको आप बोलिए सेंट्रल, तो इसको सी बोल दो है ना, इसको आप रहने दो कुछ भी मत बोलो क्योंकि अदर मैक्सिमाज की चौड़ाई है। इसका मतलब ये हुआ कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल ऑफ द विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमाज है ना, तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल ऑफ अदर मैक्सिमाज, डबल ऑफ अदर मैक्सिमाज, तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो डबल है अदर मैक्सिमाज से, राइट। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बस इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, और जब जरूरत नहीं होती है जिस चीज की उसको मैं मिटा देता हूं, है ना। अब हम बात करेंगे लीनियर विड्थ, लीनियर चौड़ाई जो होती है, तो लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या आएगा वो मैं बता देता हूं आपको, वो आएगा W एंगुलर विड्थ इंटू एफ। ध्यान दीजिए यह बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट लग रहा है, एंगल इंटू रेडियस इक्वल टू आर्क, एंगल बराबर क्या था आर्क अपॉन रेडियस, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस था, आर्क अपॉन रेडियस था, तो यहां पर आर्क क्या हो गया एंगल इंटू रेडियस। हमारा जो डायग्राम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रेजनेल्स सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के लिए, आप देखिए उसके अंदर जो फाइनल रेज थी, फाइनल जो कलेक्शन हो रहा था रेज का, वो कहाँ हो रहा था स्क्रीन पर बेटा, स्क्रीन पर जो कलेक्शन हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से जो डिस्टेंस एफ थी, जो डिस्टेंस एफ थी सेकंड वाले कॉन्वेक्स लेंस की, फर्स्ट वाले की नहीं, ध्यान दीजिए दो कॉन्वेक्स लेंस थे अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, तो दो कॉन्वेक्स लेंस जो थे उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस किधर था सोर्स की तरफ था, एक कॉन्वेक्स लेंस किधर था स्क्रीन की तरफ था। अभी मैं जो बात करना चाहता हूं वो स्क्रीन की तरफ वाले कॉन्वेक्स लेंस की बात करना चाहता हूं, क्योंकि उसी के कारण जो है वो फ्रिंज बनेगी, तो वो कौन सा फोकल लेंथ है स्क्रीन साइड वाला, ये आएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा ट्वाइस लैम्डा एफ अपॉन ई, राइट। और लीनियर विड्थ ऑफ अदर, लीनियर विड्थ ऑफ द अदर मैक्सिमा,
और जब लीनियर विड्थ ऑफ द अदर मैक्सिमा जाता है तो आपका डब्ल्यू थीटा, ये तो सेंट्रल वाला आएगा, सेंट्रल वाला, और ये अदर आ जाएगा, तो आपका लैम्डा एफ अपॉन ए आ जाएगा, राइट। अब देखिए आपका जो डिफ्लेक्शन पैटर्न जो बनता है ना, वो एक्चुअल में इस तरह का बनता है, सेंट्रल फिन सबसे चौड़ी होती है ना, बाकी फिर पतले होते हैं, बाकी फिर पतले होते हैं, समझ गए। तो ये सेंट्रल वाला सबसे चौड़ा होता है, ये जो सेंट्रल वाला जो डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है ना, हर बॉडी का बनता है इसी तरीके से। जैसे आपने जब भी कभी कोई चीज रख दी है तो उस बॉडी के अंदर इस तरह का बनता है, डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, इसे कहते हैं एरीज डिस्क। इसका नाम क्या है? एरीज डिस्क, एरीज डिस्क। तो व्हाट इज डायमीटर ऑफ एरीज डिस्क? डायमीटर ऑफ एरीज डिस्क, एरीज डिस्क का डायमीटर क्या आएगा बताइए? वो थिकनेस ही आएगा, वो आएगा 2 लैम्डा एफ अपॉन ए, है ना। अच्छा, इसमें क्या हुआ, एरीज करेक्शन, एक करेक्शन किया गया जिसको एरीज करेक्शन कहते हैं, इसको 1.22 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया कि 2 लैम्डा एफ अपॉन ए, इसको आप 1.22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो करेक्शन आएगा, यानी कि थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, ये जो कैलकुलेटेड थिकनेस होती है इससे, तो दैट इज व्हाट एरीज डिस्क। चलिए अब आप ये देखिए, किसी भी बॉडी का डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, हर हालत में बनता है, हर केस में बनता है। जैसे अगर मैं किसी चीज को देखता हूं तो मेरी आईज का जो रेटिना है उस रेटिना पर डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, है ना। मान लीजिए कुछ दूरी पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मैं उसे देखूंगा तो मेरी आंख पर उस सोर्स ऑफ लाइट का डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, बनता है। डिफ्रेक्शन पैटर्न कैसा बनता है? बिल्कुल ऐसा ही बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके चारों तरफ ऐसा होता है, राइट। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लो दो सोर्स हैं और मैं दो सोर्स को देखूं, पास पास में दो सोर्स हैं, दो सोर्स को देखूं, तो देखिए क्या कंडीशन है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर कि मेरी आई यहां पर है या आपकी आई यहां पर है ना, आप देखने वाले हैं, मान लीजिए ये आई है, तो इट इज ऑब्जर्वर्स आई। अब अगर यहां पर कोई दो पॉइंट्स ऐसे हैं, ऐसे, अब ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट को देखना है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को क्या करना है, देखना है। तो देखिए क्या होगा, ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, इनका डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा। हाँ, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, फिर जो है मिनिमा बनेगा, फिर मैक्सिमा फिर बनेगा, फिर मिनिमा बनेगा, फिर मैक्सिमा बनेगा, फिर मिनिमा बनेगा। अब दो पॉइंट्स को एकदम डिस्टिंक्ट देखने की कंडीशन क्या है? डिस्टिंक्ट, एकदम अलग अलग, साफ सुथरा, दैट इज बिल्कुल फुल्ली रिजॉल्व, क्लियरली रिजॉल्व देखने की क्या कंडीशन बनती है? तो देखिए, ये जो फुल्ली रिजॉल्व और डिस्टिंक्ट विजन की जो जो क्राइटेरिया बनता है वो ये बनता है कि आपके जो दोनों डिफ्रेक्शन पैटर्न दो बॉडीज के बनेंगे तो उसमें दोनों का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके जो दो डिफ्रेक्शन पैटर्न बन रहे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा अलग अलग होना चाहिए। अब जब दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा अलग अलग होंगे, इसका मतलब उनके बीच में कम से कम एक मिनिमा जरूर होना चाहिए। हाँ, इसे इसे एक्चुअल में कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, ये कि दोनों को हम अलग अलग करना चाहते हैं, नहीं तो क्या होगा, मर्ज्ड दिखाई देंगे, एक साथ दिखाई देंगे या आपस में घुले मिले से नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंडीशन फॉर रिजॉल्विंग एकदम कंप्लीट रिजॉल्विंग की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन मिनिमा इज मस्ट देयर
वन मिनिमाइज मस्ट देयर इन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमाज इन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमाज ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमाज ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ टू बॉडीज टू बॉडीज ये आप ध्यान दीजिए दो बॉडीज के बीच का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसको जो है ना हमें मतलब कि काम में लेना है वो दोनों जो सेंट्रल मैक्सिमा उनके बीच एक मिनिमा जरूर होना चाहिए क्योंकि अगर दोनों मान लो सेंट्रल मैक्सिमा मिल गए अगर तो भैया सेंट्रल मैक्सिमा मिल गए तो सारे दोनों चमकदार चमकदार मिल गए अब जब दोनों चमकदार चमकदार मिल गए तो अब अलग अलग कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आपकी आईज पहचान ही नहीं पाएंगी इसका मतलब अगर दो बॉडीज को एकदम क्लियरली रिजॉल्व देखना है इफ़ यू वांट टू सी एग्जैक्टली रिजॉल्व क्लियरली रिजॉल्व तो प्लीज अरेंज एटलीस्ट वन मिनिमा इन बिटवीन तो देखिए इसे हम कहेंगे एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या बोलेंगे इसको एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अब देखो एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसको मैं कहूंगा थीटा थीटा क्या बोलूंगा लैम्डा अपॉन ए इट इज एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ना एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ना ये जब एंगुलर लिमिट होती है तो देखिए एक चीज होती है टर्म बताएंगे हम आपको रिजॉल्विंग पावर तो ये दोनों चीजें जो होती है रिजॉल्विंग पावर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग लिमिट एक्चुअली ये टर्म है केवल और इसका मतलब समझिए आप देखो जी बात ये है हम जितना पास पास चीजों को क्लियर देख पाते हैं इसका मतलब हमारी रिजॉल्विंग पावर उतनी अच्छी है जैसे आपकी आंखें अगर मान लो आप बच्चे हैं अभी 17 18 16 साल के बच्चे हो तो आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं राइट मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया बुढ़ापा आ ही गया हैं लेकिन अभी तो मेरे में बहुत कुछ है भाई देख अभी तो बहुत कुछ है हम में लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं 16-17 साल की जो उम्र वाले हैं वो क्या कर सकते हैं बहुत बारीक बारीक चीज़ों को भी देख सकते हैं लेकिन आपके जितना अच्छा मैं नहीं देख सकता और 10 साल बाद में मैं अब जितना अच्छा देख पा रहा हूँ उतना अच्छा नहीं देख पाऊँगा हैं वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10 साल बाद भी उतना ही अच्छा देखूँ चलिए anyway, तो अब आप समझो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग जितनी छोटी छोटी चीजों को जितनी छोटी छोटी चीजों को जितना बढ़िया से देख सकते हैं इसका मतलब उनकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही बढ़िया है तो हम रिजॉल्विंग पावर को क्या बोलेंगे इनवर्स ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट तो अब चलिए हम इस कंसेप्ट को जो है ना एकदम क्लियर कर देते हैं कि रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर तो देखो एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट मैंने आपको बता दी तो एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट कितनी है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए और एंगुलर रिजॉल्विंग पावर कितनी है वन अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट तो इसको हम एक बार जरा चारों रिजल्ट्स को बना देते हैं क्योंकि ये सवाल काफी पूछा जाता है उसको एकदम और मेरे को लगता है कि यहाँ डिफ्रैक्शन में जो ज्यादातर सवाल आता है वो यहीं से आता है ना या तो वो ये वाला सवाल पूछते हैं जो अभी हम करके आ गए कि जो है ना वो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा है ना और कभी कभी डायमीटर ऑफ द एरीज डिस्क पूछते हैं कभी कभी रेडियस ऑफ एरीज डिस्क पूछते हैं अब रेडियस पूछेंगे तो समझ लो क्या करोगे आप रेडियस पूछोगे तो भैया समझिए ना मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है डायमीटर का आधा कर देना भाई चलो अब देखो इधर एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो क्या आएगा जी एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एंगुलरली रिजोल्व करना है तो दो बॉडीज को इतना दूर दूर रखना है आपको दो बॉडीज को अगर देखना है साफ साफ अलग अलग तो कम से कम उन दोनों बॉडीज की एंगुलर पोजिशंस में इतने का डिफरेंस होना चाहिए इतने का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए इतने का डिफरेंस होने से क्या फायदा होगा
कि जो है ना एक बॉडी और इसके बीच में अगर एंगुलर डिफरेंस इतना है तो लैम्डा बाई ए का गैप आ जाएगा, और लैम्डा बाई ए क्या है, आपका फर्स्ट मिनिमा है। तो इसका मतलब दो जो वाइट स्पॉट है, दो जो चमकदार पॉइंट है, सेंट्रल मैक्सिमा है, उनके बीच एक मिनिमा आ जाएगा और हमें बहुत ही साफ सुथरा दिखाई देने लग जाएगा। गॉट द पॉइंट, राइट। चलिए दूसरा वाला, एंगुलर लिमिट आ गया। अब मैं इसको एंगुलर रिजॉल्विंग पावर बोलूंगा, एंगुलर रिजॉल्विंग पावर, पावर एंगुलर रिजॉल्विंग पावर, इसको मैं 1/थीटा बोलूंगा, लिमिट का उल्टा ए अपॉन लैम्डा। चलिए अब मैं यहां पर बोल रहा हूं लीनियर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लीनियर, कोई खास दमदार बात नहीं है जी, आपको कुछ नहीं करना, उस एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, लीनियर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लीनियर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लीनियर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थीटा इंटू एफ, तो लैम्डा एफ अपॉन ए, है ना। चौथी बात क्या होगी, समझ गए होंगे, लीनियर रिजॉल्विंग पावर, लीनियर रिजॉल्विंग पावर, जब लीनियर रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए अपॉन लैम्डा एफ, ये लीनियर रिजॉल्विंग पावर आएगा, समझ गए आप। तो ये जो है ना डिफ्रैक्शन के बारे में काफी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आपको दो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखने हैं, है ना। उससे क्या होगा कि आपका जो अगर क्वेश्चन कभी आता है तो आप जीत जाएंगे, है ना। हाँ, तो आपकी जीत निश्चित करने के लिए ये दो फॉर्मूले बताता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि क्या है ये चीजें। ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान दो, माइक्रोस्कोप, 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 आप ध्यान दीजिए, माइक्रोस्कोप जो चीज है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कंसेप्ट बिल्कुल यही काम में ले जा रहा है जो अपन ने अभी किया है, है ना। एक तो रिजॉल्विंग लिमिट और एक रिजॉल्विंग पावर। तो देखिए मैं बताता हूं आपको माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग लिमिट, है ना, और फिर रिजॉल्विंग लिमिट के बाद बताएंगे रिजॉल्विंग पावर, आर एल यानी रिजॉल्विंग लिमिट और फिर रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग लिमिट का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, लैम्डा अपॉन टू म्यू साइन थीटा, रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी टू म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब इसमें क्या क्या चीज का मतलब क्या क्या है, देखिए लैम्डा तो नो डाउट वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिससे आप चीजों को देखना चाहते हैं, माइक्रोस्कोप में भी कुछ देखने के लिए लाइट चाहिए ना यार, तो वही लैम्डा है, राइट। म्यू क्या है, म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप, वो जो है उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, है ना। अब आप ध्यान दीजिए इधर कि अगर मान लो ये आपका यहां पर जो है पॉइंट है और यहां से आप एक लेंस आपने ले रखा है और ये लेंस बन रहा है, तो अगर ये अपेक्स, ये एंगल जो है ना थीटा है, इस तरह से थीटा एंगल बन रहा है, तो देखिए क्या होगा कि ये जो है ना, अच्छा सॉरी, ये आपका जो है थीटा एंगल, ये टू थीटा है, मतलब आधा एंगल है, ये थीटा एंगल है ना और ये टू थीटा एंगल, ये टू थीटा एंगल है, राइट। ये यहां पर ध्यान देने की बात होती है, कभी कभी आपको ये एंगल जो होता है ना वो एक साथ दे देते हैं, जैसे पूरा का पूरा टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया तो फिर आपको यहां 30 डिग्री करना पड़ेगा, है ना। ये वैसे इतना ज्यादा होता नहीं है एंगल, तो ये जो है थीटा जो होता है ना एंगल ऑफ द कोन होता है, राइट। कितना कोन बना, लाइट जाएगी तो वो एक कोन बनेगा ना, ऑब्जेक्ट से जब लाइट जाएगी तो इस तरह से कोन बनता है, लाइट जो है कॉनिकल फॉर्म में निकलेगी, ये मान लो लेंस है तो लेंस से लाइट इसी तरह से निकलेगी। थीटा जो है ना, तो थीटा इज व्हाट, हाफ एंगल ऑफ कोन, है ना, कोन ऑफ लाइट रेज कमिंग ऑन लेंस, कमिंग ऑन लेंस, है ना। ये जो टू म्यू साइन थीटा है ना बेटा, टू म्यू साइन थीटा, इसका एक नाम है न्यूमेरिकल एपर्चर, ये बहुत ज्यादा कभी कभी बोल देते हैं वो न्यूमेरिकल एपर्चर। अब आप यहां पे ध्यान दो, है ना, कि न्यूमेरिकल एपर्चर, रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर। ध्यान दो, हाँ जी, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन, वो सॉरी वो न्यूमेरिकल, वो तो प्रोपोर्शन में आएगा ना, न्यूमेरिकल अपर्चर। ये एक्चुअल में सीधे सीधे सवाल भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, है ना, कि चार स्टेटमेंट दे दिए, उनमें से पूछा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना, मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट्स के अंदर से आ जाते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो ध्यान दीजिए, टेलीस्कोप में क्या है कि नेचुरल है, आप लोग बहुत दूर से देखते हैं, बहुत दूर से देखते हैं तो प्लेन वेव फ्रंट आता है, बहुत दूर से देखते हैं तो प्लेन वेव फ्रंट आता है। बेटा जब प्लेन वेव फ्रंट आता है तो ध्यान दीजिए आपका फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन वाले कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, तो एक्चुअल में एरीज डिस्क वाला कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है, जो मैंने अभी अभी एरीज डिस्क वाली बात बताई ना आपको, वो अप्लाई हो जाता है, राइट। तो देखिए उसमें रिजॉल्विंग लिमिट क्या आती है, एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट, एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट, ये कुछ नहीं 1.22 लैम्डा बाई ए हो जाता है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं लैम्डा बाई ए बोल रहा था उसको 1.22 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, यानी कि वो एरीज डिस्क आ गई, और कुछ नहीं किया, है ना, और ये फर्स्ट मिनिमा वाली चीज ले ली, वो तो आनी है जी। कानून और रूल ये है कि इफ यू वांट टू सी द टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली रिजॉल्व्ड, देन एटलीस्ट वन मिनिमा शुड बी देयर इन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमाज ऑफ टू बॉडीज, दोनों बॉडीज की सेंट्रल मैक्सिमाज ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट आ गई, एंगुलर रिजॉल्विंग पावर, ये टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज यहां पे टॉपिक डाल दो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, है ना। तो ये आ जाएगा ए अपॉन 1.22 लैम्डा, ये चीजें आपको याद रखनी है, करेक्ट, है ना। और ये जो है डिफ्रेक्शन वाली बात जो है इस तरह से लगभग आपकी समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जो है ना ये क्या चीज है, देखिए मैं पोलराइजेशन का आपको एक सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। पोलराइजेशन पोलराइजेशन देखिए अगर हमारे पास एक रस्सी हो, पोलराइजेशन समझा दे रहा हूं, समझ लो एकदम, इससे बढ़िया तरह से पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ी रस्सी हो, रस्सी, तो जैसे रस्सी हो, है ना, और अगर रस्सी को हमने यहाँ पे डाल दिया, एक मान लो ये बहुत बड़ी रस्सी है, कितनी बड़ी रस्सी है, बहुत बड़ी रस्सी है, अब इस रस्सी में हमने इस वाले एंड को पकड़ा अपने हाथ से, हाथ से पकड़ लिया ये एंड, इस एंड को हाथ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, इस एंड को हाथ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और फिर इस एंड को घुमा दिया, सर्कुलर मोशन कर दिया, क्या किया, एक रस्सी ली, रस्सी को थोड़ा सा पकड़ा और पकड़ के घुमा दिया रस्सी को, रस्सी को पकड़ के घुमाओगे तो क्या घटना घटित होगी, सोचिए अपने आप। तो अगर आपने एक रस्सी को एंड को पकड़ा और घुमा दिया तो इस तरह की घटना घटित होगी, मैं डायग्राम बना रहा हूं आप लोग देखना, है ना, हाँ, ये रस्सी इस तरह से कुछ घूमेगी, आप एस्टिमेशन करिए, कल्पना शक्ति को काम में लो कि कैसा होगा, ऐसे ऐसे घूमती जाएगी ना यार, रस्सी को ऐसे घुमाऊंगा तो भैया उधर से वेव जो है ऐसे घूमते हुए जाएंगी, इसमें है ना कुछ सोचने समझने वाली बात है नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है ना। चलिए ये आपकी रेंज बात क्या गई, मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, ये लाइन में बोलूंगा, ये लाइन में बोलूंगा। अच्छा ये तो एक काम कंप्लीट कर दिया हमने, वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक स्लिट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, स्लिट, एक स्लिट लगा दो जी, एक स्लिट लगा दो जी, स्लिट लगा दो,
ऐसे स्लिट लगती है। स्लिट में तो फिर स्लिट का मतलब जानते हो आप क्या होता है? स्लिट का मतलब एक कागज का गत्ता होता है। कागज के गत्ते में आप कुछ क्या कर देते हो, छेद कर देते हो। जैसे ये कागज का गत्ता है, हाँ मान लो ये कागज का गत्ता है, आप इसमें क्या करो, यहां से एक स्लिट काट दो, छेद कर दो। और जैसे मान लो यहां पे रस्सी है मेरे पास, अब रस्सी को मैं पकड़ करके ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, इस रस्सी को इसमें से निकाल दूंगा, इसमें से निकाल दूंगा। तो देखिए दो केस देखो, जब ये स्लिट नहीं थी, इन एब्सेंस ऑफ स्लिट, इन एब्सेंस ऑफ स्लिट द सीन वॉज लाइक दैट, वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन जैसे ही मैं इस स्लिट को यहां पे फंसा दूंगा, अब क्या होगा, कार्यक्रम तो मैं यहां पर वही कर रहा हूं, मेरा प्रोग्राम बदल नहीं रहा है, घुमाने का ही कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो ये स्लिट है, ये उस वाइब्रेशन को रेगुलराइज कर देगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्लिट है। हाँ, नाउ द वाइब्रेशंस विल नॉट बी ऑल राउंड, सब डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस नहीं होंगे, अब वाइब्रेशंस रेगुलराइज हो जाएंगे। और अब वेव का हालात मैं बता देता हूँ, अलग कलर से बता दूँ, हाँ अलग कलर से बता देते हैं। देखिए ऐसा वेव होगा, ऐसा वेव होगा बाद में, मतलब पहले तो ये वेव घूमते हुए आ रही थी, अब ये वेव स्लिट के अलोंग वाइब्रेशंस करते हुए जाएगी। इस घटना को कहते हैं पोलराइजेशन, इस घटना का नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि आपने जो ऑल राउंड सभी डायरेक्शंस में जो वाइब्रेशंस हो रहे थे, उनको क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट बना करके, उनको लिमिटेड बना करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर दिया है, ये पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन है। जिस प्लेन में वाइब्रेशंस होते हैं उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं, है ना। तो देखिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है ना, इट इज दैट प्लेन इन विच वाइब्रेशंस आर टेकिंग प्लेस। ओके, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये क्या होती है, ऐसी प्लेन होती है जिसमें नो वाइब्रेशन है ना। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज प्लेन ऑफ नो वाइब्रेशन, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन इसमें नहीं हो रहा है। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब यही है कि उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं हमारी लाइट का। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, ये तो मैंने ऐसे आपको एग्जांपल देके बताया, असली बात हम लाइट की ही करेंगे, है ना। तो देखिए लाइट की बात मैं कर रहा हूँ। लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वैक्टर होता है, मैग्नेटिक वैक्टर होता है। इलेक्ट्रिक वैक्टर मैग्नेटिक वैक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों लाइट के प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और प्रोपगेशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आप जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक वेक्टर इज हैविंग नो इफेक्ट ऑन आर रेटिना। तो देखिए इसमें क्या खास बात है, बी वेक्टर इज हैविंग नो इफेक्ट ऑन आर रेटिना, हमारी जो रेटिना है उस पर ए वेक्टर का कोई, बी वेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेटिना इज अफेक्टेड और सेंसिंग टू ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, रेटिना इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ई वेक्टर से ही अफेक्टेड होती है रेटिना। यानी कि ओनली ई वेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल, ओनली ई वैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। हमारे जो विजन होती है ना, आंखों की जो देखने की पावर है, वो केवल इलेक्ट्रिक वैक्टर के कारण है। एक्चुअली में हमारी रेटिना पर मैग्नेटिक वैक्टर का कोई असर होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल इलेक्ट्रिक वैक्टर पर ही विचार करेंगे, मैग्नेटिक वैक्टर पर विचार नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारी आईज पर असर उसी का पड़ता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक वैक्टर ओनली। अब देखिए
जनरली किसी सोर्स से जब लाइट आती है ना, तो लाइट आती है तो लाइट इधर जा रही है, लाइट इधर जा रही है। आपको हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या हाल होता है कि अगर लाइट जा रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती थी, मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ, कि इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका वाई डायरेक्शन में होता था, मैग्नेटिक वेक्टर आपका जेड डायरेक्शन में होता था, राइट, और प्रोपेगेशन आपका एक्स डायरेक्शन में होता था, है ना। लेकिन यहां अब हमको देखना ही नहीं है मैग्नेटिक वेक्टर को, केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर पे बात करना है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है इन जनरल, तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर ना वो चारों तरफ वाइब्रेट होते हुए आते हैं। मतलब जैसे यहां से एक वेव थोड़ी निकलती है, कितनी वेव निकलती है लाइट की किसी सोर्स से काउंट कर सकते हो? किसी सोर्स से लाइट की कितनी वेव निकलती है काउंट कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। हालांकि हम आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे कि किस बल्ब में से कितने फोटोन निकलते हैं कितने सेकंड में, है ये वाली कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक वैक्टर जो निकलते हैं वो चारों तरफ वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रिक वैक्टर जो निकलते हैं वो चारों तरफ वाइब्रेट करते हैं। तो पता ही है, चारों तरफ वाइब्रेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चारों तरफ वाइब्रेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, परपेंडिकुलर टू द दैट इज प्रोपेगेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से तो हमें मतलब ही नहीं है, होता तो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो यूज है ना वो केवल एनर्जी ट्रांसफर के लिए है। आपके जो रेटिना पर सेंस करना है तो रेटिना का जो सेंस है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के कारण रेटिना का कोई सेंस नहीं होता। तो मैग्नेटिक फील्ड तो केवल उसकी एनर्जी ट्रांसफर के काम में आता है। ये आपका है ऑल राउंड डायरेक्शन, इसको कहते हैं नॉर्मल लाइट, इसको क्या कहते हैं नॉर्मल लाइट, है ना। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड ये लाइट अनपोलराइज्ड है, नॉर्मल लाइट है, अनपोलराइज्ड है। अब हमारे जो गॉड है, नेचर है ना, नेचर को ही गॉड कहते हैं ना, गॉड और नेचर एक ही चीज होती है ना। तो नेचर ने कुछ ऐसा कमाल की चीजें हमारी जिंदगी में डाली हैं, वो बड़ी कमाल करते हैं, जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल, है ना। इसके अलावा भी कई सारी बातें अभी मैं बताऊंगा आपको कि अगर लाइट रे जो अनपोलराइज्ड है, नॉर्मल लाइट है, वो अगर उस टूरमेलिन के क्रिस्टल में से निकाल दी जाए, एक बार पास ऑन कर दी जाए, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि इसके जो वाइब्रेशंस ऑल अराउंड हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फिक्स हो जाते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका कंस्टेंट बन जाता है कि वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इसे क्या कहते हैं पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये जैसे मान लो ये निकला, तो आपका वाइब्रेशन केवल इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये नेचर ने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई है जिनसे ऐसी घटना घटित होती है, इसे कहते हैं पोलराइज्ड। तो देखिए, ये नॉर्मल जो है अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, जबकि पोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, है ना। अगर मान लीजिए ये आपका जो है ये है, तो इसमें अगर पोलराइज्ड लाइट है तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, तो ध्यान दीजिए। और या फिर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऐसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। अब आप यहां थोड़ा समझने की कोशिश करें इन दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस क्या है। जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो है जिसमें वाइब्रेशंस नहीं है, तो वो क्या होगा बोर्ड के अलोंग होगा, और ये आपके वाइब्रेशंस ऐसे हैं तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसे, राइट। अब आप देखो कि ये आपके पोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन है ना, ये भी है और ये भी है। अब हम बात करते हैं कि ये पोलराइज्ड लाइट मिलती कैसे कैसे है, हाउ मेनी वेज और हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ दिस पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए, मैं आपको पोलराइज्ड लाइट जो है ना, इसकी एक सबसे अच्छी बात बता देता हूँ। ये पता है पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो हमारी आईज के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। एक तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, दूसरा इसके ऑलराउंड वाइब्रेशंस नहीं होते, तो हमें थोड़ा कूल फील होता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो इसलिए आजकल पोलराइजर का यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया है,
कॉमर्शियल यूज होने लग गया है ना, जो बढ़िया कार आती हैं, जो अच्छी क्वालिटी कार्स आती हैं उनमें पोलराइजर्स लगे रहते हैं। तो वो क्या होता है, सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो उसका जो ग्लेयर होता है, वो चमक जो होती है, उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। तो चलिए हम बात करते हैं पोलराइजेशन के तरीके की। तो देखो सबसे पहला तरीका जो पोलराइजेशन का है, तो देखिए मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। पहली बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देखिए नेचर ने या कहिए गॉड ने, हमारी नेचर में जितने भी मटेरियल पाए जाते हैं उन मटेरियल्स के लिए एक रूल बनाया है। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करे और 100% या 100% को रिफ्रैक्ट करे, यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन 100% किसी से नहीं होता। यानी हर मटेरियल, जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, राइट? तो जैसे मान लो ये एक सीट है, ट्रांसपेरेंट सीट है ना, ट्रांसपेरेंट सीट है। अब आपके यहां पर एक नॉर्मल है ना, यहां एक रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, करेक्ट? अब आप ध्यान दीजिए, अगर ये रे ऑफ लाइट आई है और ये एंगल ऑफ आई है, करेक्ट, तो ये रिफ्रैक्शन होगा। देखिए अ पीस, अ पार्ट विल बी रिफ्रैक्टेड एंड अदर विल बी रिफ्लेक्टेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि दोनों केवल रिफ्रैक्शन दोनों होंगे, लेकिन हर मटेरियल के लिए एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हर मटेरियल के लिए। पानी के लिए भी होता है, कांच के लिए भी होता है, ग्लिसरीन के लिए भी होता है, अल्कोहल के लिए भी होता है, सब के लिए एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि अगर हम उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट डालते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे ऑन एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ध्यान दीजिए, फॉर एवरी मटेरियल, एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना, फॉर एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ऐसा होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो फॉर एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ना, इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। है ना, फॉर दिस स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस IP, for this special angle of incidence IP, the reflected ray is found fully polarized, 100% polarized हो जाती है साहब, found fully polarized। ये एक particular angle है, हर material के लिए अलग अलग है, polarized है ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो पोलराइज्ड
एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, इसको कहते हैं, हाँ इट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ? इफ आईपी इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इफ आईपी इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, देन म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आईपी। ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आया। देखो, देखिए ब्रूस्टर्स लॉ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हुआ कैसे ब्रूस्टर्स लॉ। तो मैं बताता हूँ क्या है ब्रूस्टर्स लॉ। इधर देखो, ये डेफिनेशन बेटा तो या चलो रहने दो, सब कुछ रहने दो, कुछ मत मिटाओ। ये आई है बेटा, जब ये आई है तो ये क्या है, ये भी आई होगा, निश्चित ही आई होगा, है ना। ये आर है, ये क्या है, आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई है तो ये आई होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, है ना। तो अब देखो आप क्या चक्कर है, अब मैं कहूंगा आई प्लस आर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब आई प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, सिंपल, आई प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। दिस आई इज व्हाट, आईपी, दिस आर इज व्हाट, आईपी। यानी कि आप जो है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर जब रे इंसिडेंट करते हैं तो वो जो रे इंसिडेंट होती है वो किसी भी एंगल पर हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होता है, होने को तो किसी भी एंगल पर कर लो जी, आपके जैसे जहां करो है, वो एक आपका मामला है। लेकिन ब्रूस्टर साहब ने कहा, ब्रूस्टर्स ने क्या कहा, ब्रूस्टर्स लो स्टेट्स दैट फॉर एवरी मटेरियल, फॉर एवरी मटेरियल देर इज अ स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच इफ लाइट इज इंसिडेंट देन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में, आर परपेंडिकुलर है ना। दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना। तो फॉर दिस स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आईपी द रिफ्लेक्टेड रे इज फाउंड फुल्ली पोलराइज, रिफ्लेक्टेड रे इज फाउंड फुल्ली पोलराइज, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड जो है पार्शियली पोलराइज होती है। तो चलिए अब देखो, मैं इस लाइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रूस्टर्स लॉ को प्रूव कर रहा हूं मैं कि ये जो म्यू है ना वो टेंजेंट आईपी के बराबर होता है। यस करेक्ट, होता ही है। देखिए कैसे हो गया, आपने स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, म्यू इक्वल टू टेंजेंट आईपी, म्यू इक्वल टू टेंजेंट आईपी। कैसे, अब देखो म्यू इक्वल टू, हम सॉरी टेंजेंट आईपी तो आ जाएगा आपका रिजल्ट, हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई को मैं लिखूंगा साइन आई पी, ओके, साइन आर को क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस आई पी। इसका मतलब म्यू बराबर आ गया साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, इसका मतलब ये टेंजेंट आई पी आ गया, ये आपका ब्रूस्टर्स लॉ होता है, करेक्ट। चलिए जब आपके पास में ये लॉ आ गया, अब हम जरा बात करना चाहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, वो सॉरी रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती हैं कि उनका भी पोलराइजेशन तो होता है लेकिन दे आर पार्शियली पोलराइज्ड। इस वाले केस में जब ये इंसिडेंस एंगल एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड तो पूरी की पूरी पोलराइज होती है लेकिन रिफ्रैक्टेड जो है पार्शियली पोलराइज होती है। अब हम अगर रिफ्रैक्टेड लाइट का भी, रिफ्रैक्टेड लाइट का भी अगर पोलराइजेशन बढ़िया से करना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, काफ़ी सारे स्लैब्स लगा देते हैं। जैसे एक स्लैब लगाया आपने, इधर देखो, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक स्लैब लगाया, एक स्लैब, सिंगल स्लैब, है ना। अब आपकी अनपोलराइज लाइट यहाँ आई, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। सपोज आई पी एंगल पर आया है ये लाइट, इसका मतलब फुल्ली रिफ्लेक्ट वाली जो बीम है वो पोलराइज होगी फुल्ली, करेक्ट। तो इसको हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ऐसे कह सकते हैं ना, मतलब ये और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगी, करेक्ट, ये इस तरह से, तो ये फुल्ली पोलराइज्ड है, ओके। यहाँ पर आपने इसको जो है लाइट जो दी वो रिफ्लेक्टेड थी,
तो ये पार्शियली पोलराइज्ड है। अब आप इस पार्शियली पोलराइज्ड लाइट जो है, अगर इसको भी आप फुल्ली पोलराइज्ड बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका है, आप यहाँ पर एक स्लैब और लगा दीजिए, फिर यहाँ पर आप इसको करिए है ना, रिफ्लेक्ट करिए है ना, फिर आप यहाँ पर एक स्लिप और लगा दीजिए, इस तरह से स्लैब लगाते रहिए, काफ़ी सारे स्लैब्स लगा दीजिए। तो बेसिकली पता है क्या होता है, स्लैब्स के बीच में कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप स्लैब्स को प्लेन बनाने की, थोड़ी बहुत एयर तो ट्रैप हो ही जाती है। स्लैब्स के बीच में हल्की फुल्की थोड़ी बहुत एयर तो ट्रैप हो ही जाती है, वो जो छोटी सी भी एयर की लेयर बन जाती है ना, एयर की लेयर बन जाती है। तो पता है क्या होता है, एक बार रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस से उस एयर में जाती है, और फिर वापस से रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस से एयर में जाती है, फिर वापस से रिफ्लेक्ट होती है, फिर जाती है एयर में, फिर रिफ्लेक्ट होती है। ये जो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन चलता है, हर बार जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है, कुछ ज़्यादा पोलराइज्ड होती चली जाती है, लास्ट में हमें बेस्ट अच्छी पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है। लेकिन हम इस मेथड का यूज ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये काफ़ी सारी लाइट को हमारी वेस्ट कर देता है। ये रिफ्लेक्टेड वाला सही है साहब, रिफ्लेक्टेड वाला सही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं पोलराइजर। पोलराइजर क्या है, आजकल एक कॉमर्शियल फिल्म है ना, कॉमर्शियल फिल्म है, और ये बाजार में मिलता है पोलराइजर है ना, पोलराइजर। तो आप देखिए पोलराइजर क्या है, एक कॉमर्शियल फिल्म है और ये आपके बाजार में मिलता है। तो पोलराइजर जो होता है वो क्या, एक तरह का फिक्स एक्सिस वाली फिल्म होती है, कि उसको उस एक्सिस पर जब भी लगाते हैं, या मतलब मान लो उसको लगाते हैं लाइट आती है, तो उस पर्टिकुलर एक्सिस पे ही लाइट जो है वाइब्रेट करती है, परपेंडिकुलर में सारा का सारा वाइब्रेशन खत्म हो जाता है, ये पोलराइजर होता है। तो पोलराइजर जो है ये एक्चुअल में कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है लाइट को क्या करने का, पोलराइज करने का। जैसे मान लो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, और ये अनपोलराइज्ड है, क्या है, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड ये अनपोलराइज्ड, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, तो आप ध्यान दो क्या होता है, जब ये यहां आती है लाइट, तो यहां पर अगर हमने एक पोलराइजर रख दिया, पोलराइजर की मान लो ये पोलराइजर रखा हमने, और एक्सिस मान लो पोलराइजर की इधर है, तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, जब आप ये पोलराइजर रख देंगे ना इस एक्सिस पर, तो अब देखो क्या होगा, यहां से जो लाइट निकलेगी ना वो पर्टिकुलर बस इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेगी, एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन होगा, इसे कहते हैं पोलराइजर नंबर वन, दैट इज पोलराइजर वन है ना, फर्स्ट नंबर का पोलराइजर, राइट। अब यहां अगर लाइट की इंटेंसिटी आई होती है, आई इनिशियल, तो यहां पर जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी हो जाती है आई इनिशियल अपॉन टू, इसको हम आई नॉट कह सकते हैं, आई नॉट इज व्हाट, आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, दैट इज आई इंसिडेंट अपॉन टू होता है। ये अगर इंसिडेंट है ना लाइट जो भी, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी इतनी है, तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आधी होती है, मतलब वो क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस होती है ना, एनर्जी वाइब्रेशंस, तो अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं, तो क्या होता है कि थोड़े बहुत जो वाइब्रेशन इधर या उधर होते हैं ना, उनको एक तरफ वो स्क्वीज कर देती है, तो इसलिए वो एनर्जी जो है ना वो आधी बन जाती है ना, क्योंकि जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उनमें से काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आधी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, आधी एनर्जी काम आती है, करेक्ट। अब अगर एक पोलराइजर और ले लेंगे, तो देखिए क्या होगा, एक पोलराइजर और ले लेंगे, तो अगर ये पोलराइजर आपने एकदम पैरेलल रख दिया, मान लो एक पोलराइजर और ले रहा हूँ मैं, अगर उस पोलराइजर को इसके पैरेलल रख दिया, एग्जैक्टली सेम पैरेलल एक्सिस में रख दिया, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, होगा क्या, यहाँ से जो लाइट निकली वो पूरी की पूरी वापस निकल जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि एक्सिस तो सेम है ना, एक्सिस सेम है, लेकिन अगर मैंने एक्सिस को कुछ एंगल बना दिया,
अगर मैंने एक्सिस को कुछ एंगल बना दिया, कुछ एंगल बना दिया, तो देखो क्या होगा, है ना। थोड़ा डायग्राम मेरे से अच्छा नहीं बन पा रहा है ना। मेरे को एक्चुअली में ड्राइंग बनाना आता नहीं है, चलो फिर भी मैं बनाता हूँ, अच्छे से कोशिश करता हूँ। चलो देखो जी, ये आपकी जो है ना एक्सिस को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे रहा हूँ, करेक्ट। चलो देखिए, अब ये कुछ पहले वाला जो डायरेक्शन था एक्सिस का वो ये था। अब ये एंगल कुछ थीटा बन गया, ये एंगल कुछ थीटा बन गया, करेक्ट। अब यहां जो लाइट आएगी उसका पोलराइजेशन इस एक्सिस के अलोंग होगा, उसका पोलराइजेशन किसके अलोंग होगा, इस एक्सिस के अलोंग होगा। यहां से जो लाइट आएगी ऐसे 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 पोलराइजेशन, वो सॉरी मतलब वाइब्रेशन ऐसे होंगे, वाइब्रेशन ऐसे होंगे, राइट। तो आप देखो क्या हुआ, यहां जो आई आएगा वो आएगा आई फाइनल दैट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज कॉल्ड एज मेलस लो, इट इज कॉल्ड एज मेलस लो। ये मेलस का नियम है, किसका नियम है, मेलस लो। अब ये जो मेलस लो है ना बेटा, इस मेलस लो की बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जब ये अगर देखिए थीटा बराबर आपका 0 डिग्री होता, 0 डिग्री होता तो क्या होता, आई एफ बराबर आई नॉट हो जाता, मतलब यहां जो होता वही यहां भी होता, है ना। लेकिन अगर थीटा बराबर मान लीजिए 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाए तो दोनों क्रॉस कर जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब समापन समारोह हो जाएगा, क्यों, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ये चीजें है ना, तो ये जो कुछ चीजें हैं, कुछ टूरमेलिन टाइप क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी लाइट को क्या कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं, और लाइट का कुछ हिस्सा पोलराइज कर देते हैं, कुछ हिस्सा अनपोलराइज कर देते हैं, और जो है वो अलग अलग चलती हैं, इसको डाइक्रोइज्म कहते हैं। जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल पर लाइट आई तो कुछ हिस्सा गया और कुछ हिस्सा नहीं गया, तो वो क्या है, जो पोलराइज्ड लाइट है वो भी होती है और कुछ जो अनपोलराइज्ड है वो भी होती है, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइक्रोइज्म, है ना। स्कैटरिंग से भी कुछ पोलराइजेशन होता है, स्कैटरिंग में, स्कैटरिंग में जो पोलराइजेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसका हम यूज नहीं करते। मेलस लॉ आपको बता दिया, कुछ अजीब गरीब पदार्थ जो है ना नेचर ने बनाए हैं, कुछ मटेरियल ऐसे बनाए हैं जो पोलराइज लाइट को भी चकरी खिला देती है, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल। देखिए कैसे, ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको आप समझिए क्या है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे मान लो आपके पास में, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा रहा हूं मैं आपको क्या चीज है ना, इस पर भी कभी कभी सवाल आ जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्यान दो, मान लीजिए यहां से कोई अनपोलराइज लाइट थी, एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, यहां से मान लीजिए कोई अनपोलराइज लाइट थी जो कि एकदम अनपोलराइज थी, पोलराइज थी नहीं, राइट। अब यहां हमने मान लो एक पोलराइजर रख दिया, क्या रख दिया, पोलराइजर, पोलराइजर रख दिया तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, पोलराइज हो जाएगी यार लाइट, और क्या होगा, हाँ पोलराइज हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी तो ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये तो पोलराइज लाइट हो गई। हमारे नेचर के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब हम उस मटेरियल में से पोलराइज लाइट को क्रॉस कराते हैं, पास कराते हैं, तो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन घूम जाता है, हाँ, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझिए कि जैसे ही कोई पोलराइज लाइट किसी किसी मटेरियल में से पास होती है तो वो जो मटेरियल होता है वो उसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को घुमा देता है। जैसे मान लो ये गया, अब मान लो यहां पर मैंने कुछ मटेरियल रख दिया, है ना, राइट,
अब ये मान लो कोई लिक्विड है ना, ऐसे लिक्विड यहां पाए जाते हैं ना, सॉलिड्स भी होते हैं। अब इसके अंदर से जब ये लाइट गुजरेगी तो इसका जो ये प्लेन ऑफ ये वाइब्रेशन प्लेन है ना, ये थोड़ा सा घूम जाएगा। यहां से गुजरेगी तो बिल्कुल कम घूमेगा, है ना, यहां कम घूमेगा, फिर थोड़ा और घूमेगा, फिर थोड़ा और घूमेगा, फिर थोड़ा और घूमेगा, और लास्ट में मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे घूमता निकल जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, यहां पर हम इस थीटा को अगर मान लो 0 डिग्री कह दें, इस वाले थीटा को 0 डिग्री कह दें, यहां पर जो ये घूम गया वो अगर एंगल थीटा हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइज्ड लाइट जब उस मटेरियल में से गुजर रही है, तो क्या हो रहा है, लाइट जो है वो उसमें से निकलेगी, तो क्या होगा कि वो एल लेंथ से निकलेगी, है ना, तो एल लेंथ से जब निकलेगी तो ये जो है ना यहां से निकलेगी। तो अब देखो क्या है, जैसे मान लो यहां पर से थीटा निकला, तो पता है इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो क्या होगा, इस ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं मैं, स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है एंगल रोटेटेड फॉर पोलराइज लाइट, अपॉन लेंथ मतलब थ्रू विच इट क्रॉस्ड, इनटू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो आपका ये मटेरियल है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मटेरियल डिजोल्व किया गया है, तो ये चीज है। अच्छा, अब यहां भी जो है ना आपको दो तरह की एक्टिविटी दिखाई देती है। अगर आपका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मान लो आपने यहां से भेजा और वो क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में घूम गया है, तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अगर घूम गया है, क्लॉकवाइज घूम गया है, तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। अच्छा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है तो उसको क्या कहते हैं, लेवियो रोटेटरी सब्सटेंस, तो उसके क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लेवियो रोटेटरी सब्सटेंस। इस तरह से एक्चुअल में हमारा जो वेव ऑप्टिक्स वाली जो हमारी कहानी थी, वेव ऑप्टिक्स जो हमको पढ़ना था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स का समरी बना चुके हैं। प्लीज आप इस समरी के पूरे नोट्स बना लीजिए, है ना, मैं एक लेक्चर वेव ऑप्टिक्स पर ऐसा डालने वाला हूँ, अगली बार आ जाएगा, मतलब वो लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वेव ऑप्टिक्स पर, उसमें हम क्या करेंगे कि जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों के अंदर, तो लगभग 10-12 क्वेश्चंस जो है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करके अगले वीडियो में उन 10-12 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन डालेंगे। इससे क्या है, आपको ये जो वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी, यानी वेव ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, ये 3 लेक्चर हो गए, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। एक्चुअली वेव ऑप्टिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हमने क्या किया, लगभग मैंने हर चीज इसमें टच करने की ट्राई की है, अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि सब कुछ इसमें टच कर दिया जाए। तो हम अगले लेक्चर में इस वेव ऑप्टिक्स के कुछ 10-15 सवाल लेंगे, जिसमें सारा वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, और वो जो है जो आपके जेई एडवांस में आए हुए हैं, और या जेई मेन के भी हो सकते हैं, कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ है कि हम जेई एडवांस के ही लेंगे, जेई मेन के भी हो सकते हैं, जेई मेन में भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं कई बार, तो जो है वो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं उनको मैं छांट लूँगा
और छांट करके उसके सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग वो सॉल्यूशंस देखिएगा, उन सॉल्यूशंस को देखने के बाद में आपको जो है ना सब्जेक्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसकी एप्लीकेशन लेवल बड़े आसानी से कर पाएंगे, है ना। जो अपन अगला लेक्चर होगा वो मैं लेना चाहता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को कंप्लीट करना चाहता हूँ ब्रीफ में, राइट। ओके बाय।